मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या चौकसे। वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। दिस नेम इज़ आई एम लकी। तो देखिए, आज हम एक बहुत ही प्यारी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आई एम लकी। तो रीड करते हैं। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। इफ़ आई वर अ फिश इन द सी I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. ठीक है, तो यहाँ तक हम इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, पहले तो हम देख लें कि पोएम का नाम क्या है, टाइटल क्या है पोएम का। आई एम लकी मीन्स मैं लकी हूँ। लकी हूँ मीन्स लकी किसी का नाम नहीं है। लकी का मतलब होता है किस्मत वाला या भाग्यशाली। तो हम क्या हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, है ना। तो देखते हैं, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, एक जो प्यारी सी गर्ल है वो कहती है कि यदि मैं कौन होती, बटरफ्लाई होती। तो सबसे पहले तो आप देख लें, आपको डायग्राम में बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, एक साइड पे बर्ड दिखाई दे रही है जो कि मैना है, और एक फिश दिखाई दे रही है। तो बच्ची बोलती है, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, यदि मैं कौन होती, बटरफ्लाई होती। बटरफ्लाई होती मीन्स तितली होती, है ना। आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, तो मैं किसको थैंक यू बोलती, अपने विंग्स को। विंग्स को मीन्स पंखों को। क्यों? क्योंकि मैं पंखों की हेल्प से ही उड़ सकती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा तितलियों को, अगर उसका पंख काट दिया जाए, उसके विंग्स काट दिए जाएँ, तो क्या वो उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी। तो वो क्या बोलती है कि यदि मैं बटरफ्लाई होती तो मैं किसको थैंक यू बोलती, अपने विंग्स को थैंक यू बोलती। अब आगे देखते हैं, इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। यदि मैं कौन होती, मैना होती, जो कि बाजू में आपको दिखाई दे रही है। यदि मैं मैना होती तो मैं किसको थैंक यू बोलती, अपनी वॉइस को। क्यों? दैट आई कुड सिंग, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत प्यारा गा सकती हूँ, है ना। जो मैना होती है उसकी वॉइस क्या होती, बहुत लाउड भी होती है और प्यारी भी होती है। इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। तो बच्ची बोलती है, इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, यदि मैं समुद्र में फिश होती। फिश होती मीन्स मछली होती, जो कि आपको दिखाई दे रही है मछली। तो बच्ची बोलती है कि यदि मैं कौन होती, फिश होती, तो आई वुड बी थैंकफुल, मैं किसको थैंक यू बोलती, दैट आई कैन, मैं इसलिए थैंक यू बोलती क्योंकि मैं रिगल एंड गिगल कर सकती हूँ। रिगल एंड गिगल का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा वो मूवमेंट करती रहती हैं मछलियाँ, एक जगह शाम तो रहती नहीं है ना, इधर से उधर भागती रहती हैं, मुड़ती रहती हैं। आपने एक्वेरियम में भी देखा होगा मछलियों को इधर से उधर भागती रहती हैं। तो उस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, रिगल एंड गिगल बोला जाता है। विथ ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुशी से। मतलब वो बोलती है कि यदि मैं फिश होती तो मैं क्या करती, इधर से उधर भागती रहती, बहुत ही खुशी से मैं इधर उधर भागती रहती। ठीक है, सो आई जस्ट थिंक, इसलिए मैं क्या सोचती हूँ, आई एम लकी टू बी मी, क्योंकि मैं क्या हूँ, बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं हूँ, नॉट यू बट मी, मैं आप नहीं हूँ, मैं हूँ। ठीक है, तो बच्ची बोलती है, बच्ची ने तो सोच लिया कि यदि मैं यह होती, यदि मैं ये होती, लेकिन वो क्या बोलती है कि मैं क्या हूँ, मैं होने पे, मतलब लड़की होने पे भी मैं क्या हूँ, बहुत लकी हूँ, ना कि आप बनने पर मैं लकी हूँ। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक छोटी सी बच्ची है, वो क्या बोलती है कि यदि मैं बटरफ्लाई होती तो मैं अपने विंग्स को थैंक यू बोल रही होती, क्योंकि मैं उन्हीं की हेल्प से उड़ सकती थी। यदि मैं मैना होती तो मैं अपनी वॉइस को थैंक यू बोलती, क्योंकि मैं बहुत प्यारा गा सकती थी। यदि मैं फिश होती तो मैं क्या कर सकती थी, रिगल एंड गिगल, मीन्स इधर उधर भाग सकती थी, है ना, स्विमिंग कर सकती थी, और बहुत ही खुशी से इधर उधर उछल सकती थी मैं। उछल सकती थी मीन्स मूवमेंट कर सकती थी। ठीक है, तो बच्ची बोलती है कि मैं अगर लड़की हूँ, है ना, तब भी मैं क्या हूँ, बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं स्कूल जा सकती हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ, खेल सकती हूँ, खाना खा सकती हूँ अपने हाथों से, घर पर रह सकती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बच्ची क्या बोलती है, मैं भी क्या हूँ, बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं हूँ। ठीक है, आगे की पोएम हम नेक्स्ट डे समझेंगे। यहाँ तक की पोएम आप आज रीड करेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे।
और साथ ही साथ इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं या न्यू वर्ड हैं उसमें आप पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। थैंक यू।